पिछले टाइम पे क्या होता था, कंप्यूटर्स जो होते थे वो लेस डेवलप्ड होते थे, उनमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि अब जो ऑप्शंस आप यूज़ कर पा रहे हैं, अपना जो वर्क है वो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पहले टाइम पे क्या हो रहा था, इतने सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत देर में काम हो पाता था, बहुत टाइम लगता था। पहले कंप्यूटर्स को यूज़ किस लिए किया जाता था, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, मतलब मेनली उसको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ किया जाता था। और अब क्या जो हो चुका है, नए फीचर्स के साथ हमने उसे इतना एडवांस कर दिया है कि अब हम उसमें किसी भी टाइप का वर्क कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर की जनरेशन होती है, 5 जनरेशन है उसकी, 5 पीढ़ी है, और इस वीडियो में हम उन सभी की चर्चा करेंगे कि उनके बारे में क्या मॉडिफिकेशन आया था, क्या उनमें ऐसा नया यूज़ हुआ है जो हमें पढ़ना चाहिए या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये 5 जनरेशन है। पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर की है वो कब से स्टार्ट हुई थी, 1946 टू 1956 तक। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1963 तक। थर्ड वाली जनरेशन जो है वो 1964 से 1971 तक हुई थी। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो 97 से लेके अभी तक यूज़ किए गए थे, ये अभी भी चल रहे हैं। इनके साथ में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर भी आ चुके हैं जो वर्तमान है, और आगे तक मतलब जब तक न्यू एडवांस नहीं मिल जाती, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर लेते हैं, तब तक ये चलते रहेंगे। तो ये क्या है, बियॉन्ड तक है, यानी कि अभी इनका कोई जो काल है ख़त्म होने वाला, वो पीरियड जिसमें ये एंड होने वाले हैं, इनको उपयोग हम बंद कर देंगे, नए वाले जो हैं उनका यूज़ करने लगेंगे, वो अभी तक कुछ ठीक से क्लासिफाई हो नहीं पाया है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, तब तक ये चलेंगे जब तक न्यू वाले एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, ठीक है, इसलिए इनके लिए बियॉन्ड वर्ड यूज़ किया गया है भविष्य में आगे तक। फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो 1946 से 1956 तक चली थी। इस कंप्यूटर की जो जनरेशन थी इसे क्या हुआ था, हॉवर्ड एकेन और ग्रास हॉपर दोनों ने कंप्यूटर की जो एडवांस इवोल्यूशन हुआ था उसमें अपना योगदान दिया था। इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डेवलप किया था। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, आमतौर पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर या फिर वैक्यूम ट्यूब का इनमें यूज किया जा रहा था। ये बहुत भारी होते थे, बहुत बड़े होते थे, और ये बहुत बड़े पाइप टाइप से होते थे जिनमें क्या होता था, गैसेस का एक्सचेंज करते थे, हीट इलेक्ट्रिसिटी इनका यूज़ करते थे जिसके द्वारा से चलाया जाता था। और ये कई ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते थे क्योंकि कंप्यूटर का साइज़ पहले बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा लगते थे, जितना आप सोच नहीं सकते, मतलब उससे भी ज़्यादा यूज़ होते थे ये। इसकी वजह से क्या होता था, अब इनका साइज़ इतना बड़ा होता था इसलिए कंप्यूटर का साइज़ आपको बड़ा करना पड़ता था। और कंप्यूटर ज़्यादा आइडियल नहीं होते थे, आइडियल क्या होते हैं, जो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न टाइप से होते हैं। अभी इस कंप्यूटर के एग्जांपल देखेंगे आप, आइडियल क्या हो रहा था, सर्वगुण संपन्न टाइप से, लेकिन इस टाइम इस अर्ली जनरेशन में हम क्या कर सकते थे, सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे, इसलिए हमारे हर तरीके से काम तो आ नहीं रहा था, इसलिए हम इसे नॉन आइडियल बोलते, यानी कि आदर्श नहीं था एक टाइप से। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, एनियक, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक। यूनिवेक जो है इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसके बारे में, जब आप बेसिक का टेस्ट वगैरह भी देते हैं तो मोस्टली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूनिवेक का नाम सबसे पहले आता है। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि इसमें क्या था, एसी करंट का यूज़ होता था, अल्टरनेटिंग करंट फुल फॉर्म होता है इसका, 1,50,000 वॉट तक की इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, बहुत जल्दी हो जाते थे, आप बहुत थोड़ा बहुत यूज़ करोगे घंटे दो घंटे में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेता था। 18,000 तक वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ होती थी। अब जब 18,000 ये यूज़ हुई है तो सोचिए कंप्यूटर का साइज़ कितना बड़ा होगा, आकार में ये बहुत बड़े होते थे। मेमोरी इसमें क्या होती थी, सीमित होती थी क्योंकि पहले मेमोरी इतनी डेवलप नहीं थी कि आप छोटी सी रैम में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं या फिर स्टोरेज डिवाइस लगा सकते हैं। अभी जो यूएसबी ड्राइव, एसएसडी, एचडीडी वगैरह आई हैं, ये पहले नहीं थे, तो मेमोरी कितनी होती थी, सीमित होती थी कि आप उसमें एक में उतना ही यूज़ कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। तो ये क्या थी, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक यूज़ की गई थी, 1956 से लेकर 1964 तक। इस जनरेशन में क्या हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब जो हमने उसमें यूज़ की थी, कितनी की थी, 18,000 करीब करी थी, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, किन के द्वारा, ट्रांसिस्टर के द्वारा। ये सेमी कंडक्टर से मिलके बने हुए होते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की एक कड़ी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं होते,
पात्रता टाइप से, तो सारे ट्रांसिस्टर ने इन्हें रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब में। अगर आप इनके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या जाएगा, IBM 1620, CDC 3600, यूनिवैग का ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आ चुका है इसमें, CDC और IBM वाले। इनकी विशेषताएं अगर आप देखें तो ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में क्या होता था, थोड़ी कम हीट उत्पन्न करते थे, कम बिजली की खपत लेते थे, साथ में वर्क तेजी से करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में। बहुत ज्यादा तेज नहीं, केवल फर्स्ट की कंपैरिजन का अगर आप इससे करते हैं तो ये थोड़ा सा तेज वर्क करते थे। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्टान और कोबल इसमें यूज होने लगे थे। इसमें क्या होने लगा था, ट्रांसिस्टर का उपयोग होने लगा था, जो कि क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब से स्मॉल साइज में होते थे। तो इनका साइज कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की वजह से कंप्यूटर का साइज बड़ा था, पर अगर आप ट्रांसिस्टर को यूज करते हैं तो इसका साइज छोटा हो गया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक थी, 1964 से 1971 तक। इसमें इस जनरेशन में ट्रांसिस्टर को किसने रिप्लेस किया, ICS ने। ICS इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे स्मॉल मतलब बहुत छोटे छोटे आपने ICS यूज कर लिए थे, ट्रांसिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया था। और इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था, जैक किल्बी ने किया था। मतलब उन्होंने बताया कि अगर हम कंप्यूटर का साइज और स्मॉल करना चाहें तो हम इसमें ट्रांसिस्टर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये काफी स्मॉल चिप होती थी, जैसे आप फोन में सिम कार्ड यूज करते थे ना अपन पहले, वो कार्ड नहीं मेमोरी कार्ड, उसकी तरह ये बहुत स्मॉल होती थी। तो इनका यूज होने लगा, तो फिर इनके यूज के बाद में भी क्या हुआ कि जैसे और भी एडवांस टेक्नोलॉजी निकली कि आप इससे भी छोटा, अब इसमें भी क्या हो रहा था, सीमित मेमोरी वगैरह थी तो उसमें भी आप उतना ही यूज कर सकते थे, हीट ये भी प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिसिटी ये भी लेता था, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, ज्यादा चेंजेस नहीं हो पा रहे थे। केवल फर्क कितना हो गया था, कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो चुका था, जितना आप इसमें शो करा रहा है ना, ये डायग्राम दिया है पिक्चर में आपको, जितना शो करा रहा है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के आप एग्जाम्पल लें, क्या सब होते थे नहीं अलग से जैसे इसमें है, इसके एग्जाम्पल आप देखें तो IBM 370, PDP-11, ICL 2900, Honeywell 6000 और DEC सीरीज इसमें पाए जाते थे, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुई थी, 1971 से 1985 तक। इस जनरेशन में क्या हो रहा था कि जो ICS थे, इंटीग्रेटेड सर्किट थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, VLSI के द्वारा। VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये क्या होता था कि वही सर्किट चिप रहती थी, साइज उसका और छोटा कर दिया।